हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। गेटअप देख के आप लोग समझ गए हैं दैट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माई एंगेजमेंट मेकअप लुक। सिर्फ मेकअप ही नहीं, हेयर एंड मेकअप बोथ आई एम गोना शेयर विद यू ऑल। सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजन से परचेज किए हैं एंड ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो। येस गाइज, आई एम एंगेज्ड और पिछले महीने ही मेरी एंगेजमेंट हुई है एंड दिस इज द मेकअप लुक दैट आई कैरिड ऑन माई स्पेशल डे। और ये मेकअप मैंने खुद से किया है। आई हैवन्ट बुक्ड एनी मेकअप आर्टिस्ट, एनी हेयर आर्टिस्ट। मैंने खुद से अपना हेयर भी किया है और अपना मेकअप भी किया है। और मेरी दीदी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है, उन्होंने ही मेरे हेयर को यू नो सेटल करने में भी हेल्प किया है। ये माथा पट्टी एंड दुपट्टा सब कुछ अटैच करने में भी मेरी दीदी ने हेल्प किया है। दो दीदी, एक तो मेरी मासी की बेटी और दूसरा मेरी खुद की जो बड़ी बहन है, दोनों ने ही बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है मुझे तैयार होने में। बट मेरा जो मेकअप था ना, वो मैंने फुल पूरा फर्स्ट टू लास्ट मैंने खुद से ही किया है विथ माई ओन प्रोडक्ट्स एंड दिस इज द बेस्ट डिसीजन एवर। आई रियली वॉन्टेड माई स्किन टू शो अप। मुझे ऐसा बहुत ही ज़्यादा हीवी मेकअप नहीं चाहिए था बिकॉज इट वॉज अ डे फंक्शन। डे फंक्शन में मुझे इतना हीवी मेकअप नहीं चाहिए था एंड आई एम डैम श्योर मेकअप आर्टिस्ट शायद हीवी कर देती। दैट्स वाई मैं अपने स्किन टाइप के हिसाब से, मेरे पर्सनल चॉइसिस के हिसाब से मैंने खुद से मेकअप किया। एंड जो मेरा ओवरऑल लुक था वो आप सबको कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने आइस क्यूब को रब किया। आप चाहते हैं तो किसी भी टिश्यू पेपर में आइस को रैप करके भी रब कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपने स्किन पर रब कर सकते हैं। मैंने दो आइस क्यूब्स रब किया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी उस दिन और मैंने सुना है कि इससे पोर्स क्लोज हो जाते हैं, मेकअप ग्लाइड होता है और स्वेट भी नहीं होता। फिर मैंने न्यूट्रिजना ब्राइट बूस्ट एल्यूमिनेटिंग सीरम इस्तेमाल किया। ये मेरे स्किन को इतना ज़्यादा ग्लोई और ड्यूवी बना देता है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी हाइड्रेटिंग। आई लव यूजिंग दिस सीरम और मैं ना हर चीज़ को अपने नेक पर भी अप्लाई कर रही थी। फिर मैंने काया का ये मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन अप्लाई किया। ये सनस्क्रीन भी आपको सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देगा। मैंने सनस्क्रीन को अपने हैंड्स पर और सारे एक्सपोज्ड पार्ट्स पर अप्लाई किया था। लोटस का ये स्ट्रोब क्रीम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है एंड लव साइन में ये निकल गया आयरॉनिकली, बट बहुत ही अच्छा ये स्ट्रोब क्रीम है, बजट में है येट बहुत इफेक्टिव है। सिर्फ जहाँ जहाँ मुझे ग्लो चाहिए मैंने वहाँ पर इसे अप्लाई किया है एंड देन मैं अप्लाई करूँगी ये NYB का करेक्टिंग प्राइमर इन द शेड येल्लो। और मैं जनरली ग्रीन करेक्टिंग प्राइमर इस्तेमाल करती हूँ डे टू डे बेसिस पर, बट उस दिन स्पेशल ओकेजन था और ये जो येल्लो करेक्टिंग प्राइमर है ना, ये ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है और इंस्टेंटली स्किन को इतना स्मूथ बना देता है। रिसेंटली मुझे ओपन पोर की प्रॉब्लम भी हो रही थी तो इसीलिए मैंने ये प्राइमर इस्तेमाल किया। उसके बाद Maybelline Fit Me का 120 शेड वाला जो फाउंडेशन है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड यू ऑल कैन सी मैं धीरे धीरे सिर्फ एक ड्रॉप करके अप्लाई कर रही हूँ। उसे मैं अपने फिंगर टिप की मदद से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप, जैसे फिर से मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने एक बार में ही ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई किया, मैं धीरे धीरे करके अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा ना अप्लाई हो जाए, क्योंकि मुझे था कि एक नेचुरल लुक चाहिए। अगर ज़्यादा फाउंडेशन में अप्लाई करती तो उससे मेरा लुक बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल या फिर एक बोल्ड लुक मिलता जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे फाउंडेशन अप्लाई करो, उसे फिंगर टिप से अच्छी तरीके से ब्लेंड करो, नेक को मत भूलो एंड यू ऑल कैन सी हाउ नेचुरल माई बेस इज लुकिंग। फिर मैंने कंसीलर, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है एंड सिर्फ मैं अपने इनर कॉर्नर्स पर और आउटर इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ एंड यहाँ पर थोड़ा पिगमेंटेशन था तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। फिंगर टिप से हल्के हाथों से जस्ट ब्लेंड किया एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। मैं ज़्यादा कंसीलर भी नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरी स्किन जैसा दिखना चाहिए। मैं ज़्यादा बोल्ड मेकअप नहीं करना चाहती थी, इट वॉज अ डे फंक्शन और धूप भी काफ़ी थी और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी एंड आई वॉज नॉट एट ऑल वेल। मैं लगातार स्वेट हो रहे थे, मतलब स्वेटिंग की वजह से ना और भी ज़्यादा मैंने कम मेकअप किया। फिर ये ब्लू हेवन का ऑयल फ्री कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, ट्रस्ट मी। ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स इतने अफोर्डेबल कैसे होते हैं और इतने ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं ना। मैंने सिर्फ अंडर आइज पर और जहाँ जहाँ मुझे ऑयली जो एरिया होते हैं ना वहाँ पर मैं इससे सेट करूँगी। ये है इनसाइड का बनाना पाउडर। मैंने एक पाउडर ब्रश लिया है और मैंने इसे अपने अंडर आइज पर अप्लाई किया और इस तरीके से मैं उसे रिमूव कर दूंगी। मैंने बेकिंग के लिए नहीं रखा क्योंकि फिर अंडर आई एरिया बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है
तो अगर मैं बेकिंग के लिए छोड़ती तो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती, तो मैंने जस्ट अप्लाई कर लिया एंड फिर एक्सेस को मैंने तुरंत ही रिमूव कर दिया। और ये जो मेकअप लुक उस दिन का था ना मेरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और स्वेट फ्री बन गया था, क्योंकि मैंने जितना भी मैं स्वेट कर रही थी ना, मेकअप ऐसा नहीं हो रहा था कि मेकअप निकल रहा है। सो आप लोग ये सारे ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं एंड आइस क्यूब डेफिनेटली आप रब करना बिफोर डूइंग योर मेकअप। फिर मैंने ये आईब्रो पेंसिल लिया, ये भी ब्लू हेवन का है। तो ये एक सस्ता सुंदर टिकाऊ टाइप्स मेकअप लुक है जो मैंने अपने एंगेजमेंट डे में किया था। सो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इससे मैं हल्के हाथों से एक नेचुरल शेप दे रही हूँ अपने ब्राउज को। फिर मैंने ये जो मेकअप ब्रशेस है और ये मेकअप टूल मैंने अमेजन से ही परचेस किया था, और ये मेकअप ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये बहुत अफोर्डेबल है, येट दीज आर वेरी गुड। मार्स का ये ब्रॉन्जर पैलेट भी मैंने लिया था। इसमें आपको एक ब्रॉन्जर शेड मिलेगा, एक ब्लश शेड मिलेगा और एक हाईलाइटिंग शेड मिलेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एंड वर्सेटाइल पैलेट। मैंने इससे जो ब्रॉन्जर शेड है ना, उसे मैं ट्रांजिशन की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने आउटर कॉर्नर्स पर फोकस कर रही हूँ एंड फिर एक क्लीन ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से, ताकि कोई हार्श एजेस न रहे। दिस स्टेप इज रियली इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप दिस स्टेप। फिर मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का रीलोडेड पैलेट लिया और इससे मैं एक ट्रांजिशन शेड लेकर फिर से मैं अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं इनर कॉर्नर की तरफ आऊंगी बट ब्लेंड करते हुए। फिर मैंने एक प्रिसाइज छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया और उससे मैंने एक डार्क ब्राउन आई शेडो लिया मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से एंड फिर उसे सिर्फ आउटर कॉर्नर पर मैं डिपॉजिट करूंगी और उसे लैश लाइन के करीब करीब भी ब्लेंड करूंगी, ताकि मेरा आउटर कॉर्नर में ना थोड़ा सा डेप्थ आ जाए। इसे मुझे इनर कॉर्नर में नहीं लेना है। फिर से मैंने क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेकर उसे अच्छी तरीके से मैं इस तरीके से ना उसे ब्लेंड करूंगी एंड फिर दिस इज द बेस्ट पार्ट, लुक एट द पिगमेंट। ये एक शिमर आई शेडो है, मेकअप रिवोल्यूशन के पैलेट में ही आता है एंड द शिमर पार्टिकल्स आर सो अमेजिंग। और फिर मैंने सिर्फ इसे ना अपने इनर कॉर्नर पर और सेंटर ऑफ द आईलिड पर अप्लाई किया और आउटर कॉर्नर पर मैंने फिर से वो जो ब्राउन कलर वाला आई शेडो था उससे मैंने ब्लेंड किया, ताकि कोई हार्श एजेस न रहे। एक इस तरीके का प्रिसाइज पाउडर ब्रश को लिया मैंने और फिर उससे मैंने अपने इनर कॉर्नर्स पर जो भी फॉल आउट्स थे ना अपने अंडर आई रीजन पर और फेस पर, क्योंकि ये लूज ग्लिटर है तो काफ़ी फॉल आउट्स थे, तो मैंने उसे रिमूव कर लिया। इस तरीके से अगर आप रिमूव करोगे तो मेकअप भी नहीं रिमूव होगा, एट द सेम टाइम जो ग्लिटरी पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैंने हल्के हाथों से इस तरीके से इसे रिमूव किया, फिर ये वाला पाउडर ब्रश लेकर मैंने जो भी एक्सेस पाउडर मेरे फेस पर थे उसे भी रिमूव कर दिया, क्योंकि ज़्यादा पाउडर ही मुझे नहीं चाहिए, उससे एक आर्टिफिशियल लुक आ जाती है। फिर मैंने प्लम का ये जो वाटरप्रूफ आईलाइनर है इसे मैंने अप्लाई किया है, और ये आईलाइनर मैंने ज़्यादा विंग तो अप्लाई नहीं किया है, एकदम लैश लाइन के करीब करीब लैश लाइन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ आईलाइनर को अप्लाई किया है। मैंने पहले सोचा था कि मैं फॉल्सीज अप्लाई करूंगी, बट आफ्टर यूजिंग दिस मस्कारा मैंने फॉल्सीज वाला ऑप्शन ड्रॉप कर लिया, क्योंकि फॉल्सीज में ज़्यादा मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ और उस दिन मैं थोड़ा कम्फर्टेबल रहना चाहती थी। तो इसीलिए ये जो मस्कारा है ना, ये एकदम फॉल्स आईलैशेस का इफेक्ट दे देता है। फिर मैंने कॉन्टूर किया अपने फेस को, जॉ लाइन को और अपने चीक बोन्स को। ये एक एंगुलर कॉन्टूर ब्रश है, तो इससे मैंने अपने चीक बोन्स को इस तरह से कॉन्टूर किया हल्के हाथों से। और ये जो शेड है ना, ये काफ़ी लाइट शेड है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा डार्क और ज़्यादा हार्श कॉन्टूर नहीं चाहिए था, मुझे एक लाइट कॉन्टूर चाहिए था जो कि पिक्चर में भी अच्छा लगे और सामने से भी अच्छा लगे। सामने से ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेकअप कर लिया, मुझे नेचुरल लुक हमेशा, मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मुझे नेचुरल मेकअप चाहिए था। तो ये एक नेचुरल मेकअप है जो मैं इस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैंने ये ब्लश इस्तेमाल किया, ये NYB का सनसेट स्काईलाइन ब्लश है, ये हाईली पिगमेंटेड है, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट अपने पाम पर ना एक्सेस जो है उसे मैंने रिमूव कर लिया, फिर हल्के हाथों से मैं अपने जो चीक बोन एरिया है वहाँ पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अपने एप्पल ऑफ माई चीक पर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो लुक मुझे नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा डिफाइंड लुक चाहिए था जिससे मेरे फीचर्स और भी ज़्यादा हाईलाइटेड हो। तो मैंने इसीलिए चीक बोन्स पर अप्लाई किया एंड यू ऑल कैन सी द डिफरेंस, हाउ डिफरेंस इट मेक्स टू योर फेस। फिर मैंने इनसाइड का ये हाईलाइटर इस्तेमाल किया इन द शेड कॉस्मिक पाउडर। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस हाईलाइटर,
हाईलाइटर एंड इट जस्ट रिटेल्स फॉर 99 रुपीज। यू ऑल कैन सी दिस इज अ क्रीम हाईलाइटर बाय द वे। मैं पाउडर प्रोडक्ट्स के ऊपर इसे अप्लाई कर रही हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। एंड जब इसके ऊपर मैं सेटिंग स्प्रे अप्लाई करूंगी तो और भी ज्यादा ये स्किन पर मेल्ट हो जाता है। दिस इज अ न्यू सेटिंग स्प्रे जो मैंने उस दिन ही पहली बार इस्तेमाल किया, और उस दिन ना मेरे पास जो मेरी दीदी थी उनके पास मैक का सेटिंग स्प्रे था, तो मैंने वो भी अप्लाई किया था। फिर आई लिपस्टिक की बारी। आई वॉज सो कन्फ्यूज विथ माई लिप शेड। पहले मैंने जैनन माइजा का ये जो कोरल शेड है इसे अप्लाई किया एंड इट वॉज लुकिंग वेरी ब्राइट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इसे टोन डाउन करने के लिए मैंने रोज पिंक जो शेड है, ये भी लिक्विड लिपस्टिक है, उसे अप्लाई किया एंड दीज लिक्विड लिपस्टिक्स आर सो कम्फर्टेबल, सो अमेजिंग। बट बहुत ही ज़्यादा मैट है तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन आपके लिप्स के ऊपर रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने तो रीअप्लाई भी नहीं किया था। उसके बाद मुझे एक बुलेट क्रीमी लिपस्टिक इसके ऊपर टॉप करना था, तो मैंने जैनन माइजा का ही जो एप्रिकॉट ब्लश वाला बुलेट लिपस्टिक है, ये भी मैट है, इसे मैंने अप्लाई किया एंड द लिप शेड वॉज लुकिंग सो परफेक्ट। फिर मैंने ये वाला दुपट्टा लिया, और दुपट्टा मेरा अटैच किया था मेरी बड़ी दीदी ने, अगर वो नहीं होती तो आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन, क्योंकि फिर दुपट्टा अटैच मैं नहीं कर पा रही थी एंड आई वॉज सो मच टेंस्ड दैट डे। सिर्फ एक छोटा सा रेड बिंदी मैंने अप्लाई किया है, और ये माथा पट्टी भी अमेजन से मैंने परचेज किया है। कुछ भी ज्वेलरी मैंने नहीं पहना है क्योंकि उस दिन मैंने रियल गोल्ड ज्वेलरीज पहना था, तो आज मैंने कुछ भी नहीं पहना इसीलिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। अगर आप कोई इस तरीके का स्पेशल डे के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो आई थिंक मेरे ये जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर की है उससे काफी हेल्प हुई है आप सबको। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो एंगेजमेंट ब्लॉग इज कमिंग वेरी सून, सो स्टे ट्यून। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें टू स्टे अपडेटेड विथ लेटेस्ट वीडियोज। और आज का ये लुक कैसा लगा आप सबको जरूर मुझे बताएगा। एंड आई एम रियली सॉरी, उस दिन मैंने सोचा था कि गेट रेडी विद मी मैं शूट करूंगी, बट मुझे खुद से तैयार भी होना था और बहुत ही ज़्यादा हॉजपॉज था। आई वॉज सो मच टेंस, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। बट फॉर्चुनेटली उस दिन जो भी मैंने मेकअप किया था, जो भी मैंने ड्रेसअप किया था, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से हो गया एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।